इकोनॉमिक्स पेपर वन, दिस इज फॉर सीएसएस. द डिफरेंस बिटवीन सीएसएस पेपर वन इकोनॉमिक्स एंड पीएमएस पेपर वन इकोनॉमिक्स इज के जो सीएसएस का पेपर वन है उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पोर्शन नहीं है. जो पीएमएस का पेपर वन है उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पोर्शन है. अब जब हम सीएसएस की बात करते हैं तो सीएसएस के पेपर वन के अंदर डिवाइडेड इनटू सिक्स पार्ट्स. उन सिक्स पार्ट्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. इन सिक्स पार्ट्स के अंदर अगर हम इनको पास्ट पेपर में डिवाइड कर लें, पास्ट पेपर स्कीम प्रिपेयर करें, तो पास्ट पेपर स्कीम के अकॉर्डिंगली ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते रहे हैं 2017-18 तक, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, इनसे पूछे जाते रहे. बाकी इन तीन पोर्शंस में से जो वेटेज इनकी होती थी वो कम होती थी. अभी 2019 और 2020 के अंदर ये प्रोपोर्शन थोड़ा सा चेंज हुआ. अगर मैं आपको ये स्कीम दिखाऊं, पास पेपर स्कीम जो कि सीएसएस की बनी हुई है, 2019 तक के क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद हैं. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो अभी तक 2010 से लेके 2019 तक 9 ईयर्स में 21 क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं डिफरेंट ईयर्स में. मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो 2010 से 2019 तक 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लाइकवाइज मनी एंड बैंकिंग में 2010 से 2019 तक 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो चौथा पोर्शन बनता है पेपर वन का, उसमें 8, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 5 और पब्लिक फाइनेंस में 8. इस पास पेपर स्कीम के मुताबिक इसके अकॉर्डिंगली ज्यादातर वेटेज जो एग्जामिनर पेपर वन के पोर्शन में से देता रहा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है और इसके साथ मनी एंड बैंकिंग है. बाकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उसका पोर्शन कम रहा है. अब इसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन डिवाइड होते हैं वो दो प्रोपोर्शंस में डिवाइड होते हैं, प्रोडक्शन साइड ऑफ द इकोनॉमिक्स में और कंजम्पशन साइड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में. अगर हम देखें 2019 के अंदर ये प्रोडक्शन साइड का क्वेश्चन है, व्हाट डू द स्लोप्स ऑफ एन आइसोकॉट लाइन एंड आइसोकॉस लाइन मेजर, डिस्क्राइब थ्रेटिकली एंड ग्राफिकली द कंडीशंस दैट आर सेटिस्फाइड व्हेन अ फर्म चोजेस लीस्ट कॉस्ट टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट. लाइकवाइज 2019 में सेम प्रोडक्शन साइड का क्वेश्चन, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, इलास्टिसिटी, पॉइंट आउट द एप्लीकेशन ऑफ दीज थ्योरी सच एज एंड एक्सप्लेन. फिर इसी तरह से 2018 के अंदर क्वेश्चन इंडस्ट्री साइड से, टाइप्स ऑफ मार्केट में, फिर ये इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर साइड, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोड्यूसर साइड, लाइकवाइज सो ऑन एंड सो फोर्थ. हिस्ट्री में सिर्फ एक दफा 2010 से लेके 2019 तक एक ही दफा मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा गया लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का, विच इज वेरी इजी, नॉट नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, 2014 में. अदरवाइज ये कॉस्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन रिपीट हो रहा है फर्म्स, ये फिर परफेक्ट कंपटीशन रिपीट हो रहा है,
लाइकवाइज ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस रेपिटेशन में है, मार्केट डिमांड का क्वेश्चन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोचेस, इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन ऊपर भी पूछा हुआ है, फिर परफेक्ट प्योर कंपटीशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर वही डिमांड, दिस इज मार्केट डिमांड। तो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स अगर हम एनालाइज करें जिन पे एग्जामिनर फोकस करता है वो है कंज्यूमर थ्योरी, वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर, वो है प्रोडक्शन साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो है मार्केट्स, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, प्योर कंपटीशन। इन्हीं प्रोपोर्शंस में से माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये एक एनालिसिस है माइक्रो इकोनॉमिक साइड का। अगर हम इसी तरह फर्दर अपने कोर्स को देखें, अब इसको अगर हम कोर्स के साथ कंपेयर करें, ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स गिनवाए हैं कोर्स के साथ अगर जो हमने कंपेयर करना है, तो उसमें भी कंज्यूमर बिहेवियर गुड एनफ, वहाँ पे कुछ कंज्यूमर बिहेवियर से क्वेश्चन है, डिमांड से क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी से क्वेश्चन है, देन इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन दो दफा पूछा गया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, थ्योरी ऑफ द फर्म से क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन से, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन है। दैट मींस एग्जामिनर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन पूछ रहा है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जामिनर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर ये जो डोमेन टॉपिक डोमेन्स लिखी हुई हैं एग्जामिनर ने कोर्स के अंदर सिलेबस के अंदर, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट्स प्योरली इकोनॉमिक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन का थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है, इसमें क्वेश्चन का डायग्रामेटिकल पोर्शन भी होता है, इसमें क्वेश्चन का मैथमेटिकल पोर्शन भी होता है जिसको हम मैथमेटिकल डेरिवेशन बोलते हैं। सो तीन चीजों पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, तीन बेसिस के ऊपर। मैथमेटिकल पोर्शन जो थ्योरी है उसके सपोर्ट में जो मैथमेटिकल पोर्शन उस थ्योरी का बनता है वही डिस्कस होता है। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी जीएनपी का क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन है, आईएसएलएम फ्रेमवर्क बहुत फेमस क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड बहुत फेमस क्वेश्चन है। सी यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई पूछा है, फिर 2018 में एग्रीगेट सप्लाई पे क्वेश्चन है, ISLM once again 2019 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा हुआ है, सॉरी 2018 में, और इसी तरह 2017 में भी ISLM का क्वेश्चन है। ये लेवाइस मॉडल है सरप्लस लेबर का, फिर ये डिमांड साइड इन्फ्लेशन, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, ये जीडीपी पे क्वेश्चन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे फिर क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, केन्जियन क्रॉस आईएसएलएम फ्रेमवर्क में है, इसी तरह से फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन है, देन ये केन्जियन एनालिसिस वंस अगेन आईएसएलएम फ्रेमवर्क के साथ ही डिस्कस होता है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड मल्टीप्लायर, फिस्कल पॉलिसी एंड मल्टीप्लायर, एग्रीगेट डिमांड पे फिर ये देखें 2011 में क्वेश्चन है, लाइकवाइज एग्रीगेट सप्लाई पे 2011 में क्वेश्चन है, नेशनल इनकम पे क्वेश्चन है, जीडीपी अकाउंट्स के ऊपर। अगर हम लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स का करें तो हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम अकाउंट्स, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, आईएसएलएम फ्रेमवर्क, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, 6 से 7 मेन टॉपिक्स बनते हैं जिन पे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, क्वेश्चन दे रहा है एग्जाम के अंदर। अगर हम लेक्चर में देखें, इसके सिलेबस में देखें, तो उसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग से क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड पे क्वेश्चन है, लाइकवाइज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है, आईएसएलएम फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन है। सो इसमें भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कोर्स बनता है उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स जो सिलेबस उसने दिया हुआ है दैट इज
इट सेल्फ एक्सप्लेनिंग के कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं, और एग्जामिनर मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में से क्वेश्चन भी उन्हीं टॉपिक्स में से ही पूछ रहा है. देन इज मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग में ISLM फ्रेमवर्क, केन्जियन क्रॉस, इसी तरह से ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लायर रिलेशनशिप, मॉनेटरी सिस्टम पे क्वेश्चन है. लाइकवाइज ये 2014 के अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक और मनी मल्टीप्लायर से आया हुआ. माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी 2014 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया. इसी तरह से इक्वेशन ऑफ मनी, फिशर एंड कैम्ब्रिज इक्वेशंस, क्रेडिट क्रिएशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मनी डिमांड पे क्वेश्चन है. देन इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस पे है, एक्सचेंज रेट पे है. अब इसका एनालाइज करें, मनी एंड बैंकिंग को एनालाइज करें, तो हमें पता चलता है कि मनी डिमांड, मनी सप्लाई, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, टूल्स ऑफ मनी, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, उनका रिलेशनशिप, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसके साथ, और ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे भी क्वेश्चन है. सो दैट मींस ये टॉपिक्स मेन बनते हैं. इफ वी कंपेयर इट विद द सब्जेक्ट ऑफ मनी एंड बैंकिंग, तो उसमें देखें यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स ही सब फील्ड में ISLM फ्रेमवर्क आता है. मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी चूंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में पढ़ रहे होते हैं, तो ISLM फ्रेमवर्क मोस्ट ऑफ द केसेस हम यहीं पे कवर कर लेते हैं रादर देन मेकिंग इट हेयर. लेकिन ISLM फ्रेमवर्क आपके कोर्स के अंदर मनी एंड बैंकिंग वाले पोर्शन के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन ज्यादातर उसके जो हैं वो चूंकि पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, तो वो हम उसको स्टडी इधर कर लेते हैं. इसलिए मैंने भी जो स्कीम बनाई हुई है उसमें जो ISLM फ्रेमवर्क है वो मैक्रो में काउंट किया. ठीक है. अब फंक्शंस ऑफ मनी, ये क्वेश्चन क्वांटिटी थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है. फिशर एंड कैम्ब्रिज फॉर्मुलेशन एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है. क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है. देन इसके अलावा क्वेश्चन ISLM फ्रेमवर्क पे आया हुआ है. मनी डिमांड एंड सप्लाई पे क्वेश्चन आया हुआ है. ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आया हुआ है. सो जो सिलेबस दिया है मनी एंड बैंकिंग का भी, CSS के मनी एंड बैंकिंग पेपर वन पोर्शन के अंदर भी सेम एज इट इज क्वेश्चन टॉपिक से ही पूछे हुए हैं. लास्ट 10 ईयर्स का जो पेपर एनालिसिस है. ठीक है. देन इज पब्लिक फाइनेंस. ओके, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, 9 ईयर्स के अंदर 8 दफा क्वेश्चन पूछा है. टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे अगेन क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल जिसको हम ट्रेड थ्योरी बोलते हैं, देन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन, कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज पे क्वेश्चन. सम अप करें तो ट्रेड स्ट्रक्चर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, चार मेन पोर्शंस बनते हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास पेपर के अंदर. इसको अगर कंपेयर करें इसके सिलेबस के साथ, थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज क्वेश्चन आया हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रेड पे क्वेश्चन आया हुआ है, देन अच्छा इन चीजों पे क्वेश्चन आया. किस पे क्वेश्चन नहीं आया, कस्टम यूनियन पे क्वेश्चन नहीं है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं है, ट्रेड पॉलिसी पे क्वेश्चन नहीं आया अभी तक लास्ट 10 इयर्स के अंदर. बाकी क्वेश्चंस आए हैं और जो क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ पे मेंशनड है सिलेबस के अंदर, वो पोर्शंस उन्हीं में से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पेपर के अंदर पूछे हैं. देन पोर्शन is we discuss public finance first and then we will discuss economic development. Public finance major taxes pe taxation pe question aata hai, ye taxation ka question hai.
वंस अगेन टैक्सेशन पे क्वेश्चन है, डेट पे क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, फिर डेट पे क्वेश्चन है, देन कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस जिसको आप एड बोलते हैं, और फॉरेन डेट के साथ उसका रिलेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग। लास्ट 10 ईयर्स में 8 क्वेश्चंस, मेजर टॉपिक्स इसके बने टैक्सेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट, डेट प्रॉब्लम, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड एड, ये मेजर प्रोपोर्शंस बने जिन पे क्वेश्चन पूछा गया है। सिलेबस देखें पब्लिक फाइनेंसिंग का, तो एक्सपेंडिचर्स पे क्वेश्चंस है, रेवेन्यू पे क्वेश्चन है, टैक्स एंड नॉन टैक्स, इंसिडेंस ऑफ डिफरेंट टैक्सेस, डेट, डेफिसिट फाइनेंस, इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कहाँ पे नहीं आया, फिस्कल पॉलिसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सब जो पोर्शन पब्लिक फाइनेंसिंग के दिए हुए हैं उस पे क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में पब्लिक फाइनेंसिंग से क्वेश्चन पहले एक दो पूछे जाते थे एक पेपर के अंदर, एक ईयर के अंदर, अब 2 के करीब क्वेश्चन आ जाते हैं पब्लिक फाइनेंस, डेट का क्वेश्चन आ जाता है, टैक्सेशन का आ जाता है, रेवेन्यू का आ जाता है, 2 तकरीबन क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ से आ जाते हैं। ओके, नाउ लास्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट ट्रैप पॉलिसी है, थ्योरी है सॉरी, देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, ट्रेड नॉट एड। सो लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पोर्शन से, और अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्वेश्चन आया हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, थेरीज ऑफ डेवलपमेंट थेरी पूछी हुई है क्वेश्चन, पॉवर्टी पे क्वेश्चन है। सो दैट मींस डेवलपमेंट का भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोर और लेस। ठीक है, इफ वी गिव वेटेज टू ईच ऑफ दीज 6 पोर्शंस ऑफ पेपर 1 ऑफ CSS इकोनॉमिक्स, तो हमें पता चलता है कि लास्ट 10 ईयर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर टोटल पेपर के अंदर 8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चंस ईच ईयर आ रहे हैं, मैक्रो में 2 क्वेश्चंस ईच ईयर आ रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग से 1 क्वेश्चन मस्ट आ रहा है, पब्लिक फाइनेंस से 1 क्वेश्चन मस्ट आ रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन मस्ट आ रहा है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 1 क्वेश्चन मस्ट आ रहा है। अभी थोड़ा सा जो डायनेमिक शिफ्ट है, जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है पेपर के अंदर 2020 वाले पेपर के अंदर, वो शिफ्ट ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक फाइनेंसिंग, इनमें पहले एक ही क्वेश्चन आता था, अब इस पोर्शन में से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। पब्लिक फाइनेंसिंग वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन 2 पूछे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज कम नहीं हुई, 2-2 क्वेश्चन इनसे भी आ गए क्वेश्चन एग्जामिनर ने। सो इन टोटल, इन अगर हम इसको एनालाइज करें पेपर 1 को, तो जो मेन फील्ड्स हैं वो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अलोंग विद जो शिफ्ट आ रहा है वो है पब्लिक फाइनेंसिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। लेकिन उस शिफ्ट को, हो सकता है वो शिफ्ट स्पेसिफिकली सिर्फ 2020 में आया हो, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर वो शिफ्ट नजर नहीं आ रहा। सो अगर हम 8 क्वेश्चंस का कंपैरिजन करें, एक स्कीम बनाएं, 2 फ्रॉम माइक्रो, 2 फ्रॉम मैक्रो, 4 एंड 1, 1, 1 एंड 1, ओके एंड 4 फ्रॉम हियर, सो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 8, प्लस माइनस हो सकता है, हो सकता है माइक्रो से 1.5 क्वेश्चन आ जाए, 0.5 का मतलब है जो शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, हो सकता है कि यहाँ से शॉर्ट नोट भी पूछा जाए, यहाँ से पूछा जाए, यहाँ से पूछा जाए। सो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा प्लस माइनस करें, सो 1.5 to 2.5 क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्रो, माइक्रो
सेम विद मैक्रो. इन मनी एंड बैंकिंग 1 to 1.5 क्वेश्चन, पब्लिक फाइनेंस 1 to 1.5 क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रेड 1 to 1.5 क्वेश्चन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1 to 1.5 क्वेश्चन. 0.5 मींस शॉर्ट नोट्स ऑफ 10 मार्क्स, 1 मींस अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स. दिस इज द स्कीम फॉर पेपर 1 ऑफ CSS इकोनॉमिक्स बेस्ड अपॉन पास्ट ईयर एनालिसिस. किस सब्जेक्ट साइड से, किस टॉपिक साइड से, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन मैचअप मैच करते हैं या वो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे होते. सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1 ऑफ CSS इकोनॉमिक्स पास्ट पेपर एनालिसिस.